हेलो दोस्तों, जीडी एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर लूसेंट बुक के एमसीक्यूज कवर किए जा रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री के गुप्त काल से संबंधित कुछ एमसीक्यूज हैं, उन्हें हम आज कवर करेंगे, जिसका कार्यकाल है 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। तीसरा क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चौथा क्वेश्चन है, सहेजोड़ी मिलाना है, सूची वन को सूची टू से मिलाना है। तो दोस्तों, प्रयागराज या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का है, बेलसड स्तंभ लेख कुमारगुप्त का है, और भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है, और मंदसौर लेख बंधुवर्मन का है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट था। छठवां क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? तो यह संस्कृत थी। सातवां क्वेश्चन है, इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो यह थे ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। आठवां क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो यह ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त था। नौवां क्वेश्चन है, गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त वंश ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। दसवां क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो यह गुप्त काल से संबंधित है। ग्यारहवां क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के राजकवि थे। बारहवां क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेरह क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? तो वह ऑप्शन सी, नालंदा था। चौदह क्वेश्चन है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। पंद्रह क्वेश्चन है, फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। सोलह क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? तो यह ऑप्शन डी, गुप्त काल भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। सत्रह क्वेश्चन है, फहान कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों, फहान चीन का निवासी था। अठारह क्वेश्चन है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो यह ऑप्शन सी है, वाकाटक वंश का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। बीसवा क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काहोम स्तंभ लेख को। किस क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बोधगया। 22 क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका जन्म गुप्त काल में हुआ था। 23वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो वह शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की थी। ऑप्शन ए सही होगा। 24 क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो यह थे विष्णु। 25 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो यह ऑप्शन सी सही होगा, शकों को पराजित करने के बाद। 26 क्वेश्चन है, मेहरौली दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यह चतुर्थ सदी में। ऑप्शन ए सही है।
27 क्वेश्चन है, फहान और हेनसांग ने किसके राज्यों को देखा, तो इनमें से किसके राज्यों को देखा यह बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। 28 क्वेश्चन है, धन्वंतरी थे, तो धन्वंतरी कौन थे, तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। 29 क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, तो यह राजतंत्रात्मक थी। 30 क्वेश्चन है, फहान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता। 31 क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 32 क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 16, 17 एवं 19वां गुफा का। 33 क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कंद गुप्त के दरबार से जुड़े थे। 34 क्वेश्चन है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन ए सही है। 35 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। 36 क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेण किस शासक का दरबारी कवि था, तो यह था समुद्रगुप्त का, ऑप्शन ए सही है। 37 क्वेश्चन है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। 38 क्वेश्चन है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त काल में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था दिनार, ऑप्शन ए सही होगा। 40 क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था, तो यह कालिदास ने लिखा था। 41 क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। 42 क्वेश्चन है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, तो भू राजस्व की दर थी ऑप्शन बी, उपज का छठा भाग। 43 क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। 44 किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो इसका आंसर होगा गुप्त वंश, ऑप्शन ए सही है। 45 दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो इसका आंसर होगा चंद्र, ऑप्शन बी सही होगा। 46 क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम नाटक का नायक कौन था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्निमित्र। 47 क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है, तो इसका आंसर होगा प्रयाग के। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल में। 49 क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो इसका आंसर होगा गुप्त, ऑप्शन सी सही होगा। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बल्कि मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोवंशीयम, ये तीनों नाटक कालिदास ने लिखा था। 51वां क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं, तो इसका आंसर होगा बाकी गुफाएं जो कि धार में हैं। 52वां क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था,
तो इसका आंसर होगा 319 से 500 ईसा, ऑप्शन ए सही है। 53 क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, तो बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई, ऑप्शन सी सही है। 54वां क्वेश्चन है, सोने की सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए, तो यह ऑप्शन बी गुप्त काल में जारी किए गए थे। 55 क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है, तो इसका आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। 56 क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो सती प्रथा का पहला उल्लेख एरण अभिलेख से मिलता है। 57 क्वेश्चन है, शासकों को क्रम से मिलाना है, गुप्त वंश के शासकों को क्रम से मिलाना है, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त हैं, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय है, फिर कुमार गुप्ता है, फिर स्कंद गुप्ता है, ऑप्शन ई सही होगा। 58वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर होगा बयाना या भरतपुर से। 59 क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, तो इसका आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन ए सही है। 60वां क्वेश्चन है, इसमें कथन दिए हैं ए और आर, इसमें सही कौन सा है यह बताना है, तो प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, और कथन आर है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, तो इनमें से कौन सा सही है यह बताना है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 61 क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता है, तो इसका आंसर होगा ताम्रलिप्ति, ऑप्शन ए सही है। 62 क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो उन्हें रूपक कहते थे। 63वां क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से, तो विशाखादत्त का हो जाएगा नाटक, वारामिहिर का हो जाएगा खगोल विज्ञानी थे, और चरक हो जाएगा, चरक एक चिकित्सक थे, और ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। 64 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था, तो इसका आंसर होगा उज्जैन, ऑप्शन सी सही है। 65 क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम। 66 क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुप्त युग में। 67 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था, तो इसका आंसर होगा सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह यह कारण नहीं था, बल्कि स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुड़ों का आक्रमण और प्रांतीय शासकों का विद्रोह, यह सब कारण था गुप्त वंश के पतन होने का। 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया, तो यह थे समुद्रगुप्त। 70 क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, तो यह आर्यभट्ट थे। 70 क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चिकित्सा से। 71 क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो यह रामगुप्त था। 72वां क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है सूची 1 में शासक दिए गए हैं, सूची 2 में अभिलेख दिए गए हैं उनके, तो इसका समुद्रगुप्त का हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा मेहरौली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का हो जाएगा भित्री स्तंभ लेख, बुद्धगुप्त का हो जाएगा पहाड़पुर ताम्रपत्र, ऑप्शन ए सही है। 73वां क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है सूची 1 में दिया है मुद्राओं के प्रकार और सूची 2 में शासक दिए गए हैं, कुमार देवी प्रकार का होगा चंद्रगुप्त प्रथम, वीड़ावादन प्रकार का होगा समुद्रगुप्त, और चक्रविक्रम प्रकार का होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, कार्तिकेय प्रकार का होगा कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन ए सही है। 74 क्वेश्चन है, सूची 1 में दिया गया है शासक और सूची 2 में उनकी उपाधि दिए गए हैं, तो इन्हें
एक दूसरे से मिलाना है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम का हो जाएगा, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, और समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम की, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की, और स्कंदगुप्त ने सक्रोपम की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन डी सही होगा। 75 क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है। शासक दिए गए हैं सूची 1 में और सूची 2 में उनकी पत्नियां। तो दोस्तों इसका देखते हैं हम, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी या लिच्छवी, रामगुप्त इसकी ध्रुव देवी थी, समुद्रगुप्त इनकी पत्नी दत्ता देवी थी, और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती गुप्त थी। ऑप्शन ए सही है। 76 क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने। 77 क्वेश्चन है, सर्वराजोच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला, इसका मतलब होता है कि उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने। 78 क्वेश्चन है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 79 क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है। सूची 1 में रचनाकार दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी रचनाएं दी गई है। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय रचना की, धन्वंतरी ने नवनीतकम की रचना की, और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मा सिद्धांतम की रचना की, और वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतक की रचना की। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने कराया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने कराई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त ने दूसरी बार मरम्मत कराई थी। 81 है, सही जोड़ी मिलाना है। सूची 1 में प्रशासकीय विभाजन दिया है, सूची 2 पे प्रशासक दिए गए हैं। तो भुक्ति प्रांत का हो जाएगा उपरिक, विषय या जिला विषयपति, नगर का हो जाएगा नगरपति, ग्राम का हो जाएगा ग्रामिक। ऑप्शन ए सही होगा। 82 क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है, सही नहीं है उसे बताना है। ऑप्शन डी यह सही नहीं है। महाश्वपति का, गज सेना का अध्यक्ष, यह सही नहीं है। बाकी महासंधि विग्रही का होगा, युद्ध व शांति का मंत्री, महादंड नायक का होगा, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, और विनय स्थिति स्थापक का हो जाएगा धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। 83 क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है। तो दोस्तों क्षेत्र भूमि का हो जाएगा कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि का निवास योग्य भूमि, अपृहत भूमि का होगा जंगली भूमि, खेल भूमि का होगा कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। ऑप्शन ए सही है। 84 क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है यह बताना है। तो इसका आंसर होगा प्रयाग प्रशस्ति का रवि कीर्ति सही सुमेलित नहीं है, बल्कि किरातार्जुनीयम का भारवी सही है, दस कुमार चरित्र का हो जाएगा दंडिन, और मृच्छकटिकम का शूद्रक यह सही है। 85 क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे भी बताना है। तो इसका आंसर होगा भर्तहरि का मेघदूतम यह सही नहीं है, भर्तहरि ने मेघदूत नहीं लिखा था। यह बाणभट्ट का होगा अष्टांग हृदय, कामंदक का होगा नीतिसार, और विशाखादत्त यह मुद्रा राक्षस। 86 क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा श्रेष्ठी का होगा साहूकार, सार्थवा का होगा व्यापारी, कुलिक का होगा शिल्पी या कारीगर, कायस्थ का होगा लेखक। ऑप्शन ए सही है। 87 क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध था, तो मिहिर कुल का संबंध हूणों से था। 88 क्वेश्चन है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? तो यह मौखरी थे। 90 क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। 90 क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उसकी जंगरोधकता के कारण। 92 क्वेश्चन है, पुनर्वर्धन भुक्ति यह प्रांत अवस्थित थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर बंगाल में।
93 क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यह समुद्रगुप्त था। 94 क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दसपुर शिलालेख से। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।